हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रुबीना, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खजूर ड्राई फ्रूट रोल। बहुत ही यम्मी, हेल्दी, शुगर फ्री रेसिपी है और खाने में तो ये लाजवाब है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। खजूर ड्राई फ्रूट रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिक्सी के जार में 2 कप खजूर ले लिए हैं। खजूर के सीड्स निकाल लेना है। अब इसको ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब एक फ्राई पैन ले लेंगे, इसमें 1/4 कप पॉपी सीड्स ले लेंगे यानी कि खसखस। इसे लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। हमारी खसखस रोस्ट हो चुकी है, इसे एक बाउल में निकाल देंगे। अब इसी फ्राई पैन में 1/2 कप बादाम ले लेंगे, 1/2 कप काजू ले लेंगे, 1/4 कप पम्पकिन सीड्स ले लेंगे और 1/4 कप सनफ्लावर सीड्स डाल के इसे हम रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 1 चम्मच भर के देसी घी डाल देना है। अब इसमें हमने जो खजूर का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। इसे चम्मच से मैश करते हुए पकाते जाना है। ये अच्छी तरीके से इसी तरह पकाते हुए ये अच्छा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखे थे वो डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे, रोस्ट की हुई खसखस भी डाल देंगे, आधी हमें बचा लेना है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये सब बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, ये बिल्कुल रेडी है। इस वक्त ये बहुत गर्म है, इसे आपने कूल कर लेना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, इतना कि आप उसे हाथों से शेप कर सकें। इस स्टेज पे चाहे तो आप इसकी बर्फ़ी बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसका लंबा रोल बना दिया था। मैंने इसे इस तरीके से प्रेस करके रोल कर लिया था ताकि इसका सिलेंडरिकल शेप आ जाए। अब रोस्ट किए हुए पॉपी सीड्स के ऊपर इस तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे। इसे खसखस में अच्छी तरीके से कोट कर लेने के बाद एक क्लीन रैप के अंदर इस तरीके से रोल कर लेंगे और इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैंने थोड़े से लड्डू भी तैयार कर लिए थे, उसे भी इसी तरीके से खसखस में कोट कर लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट लड्डू भी तैयार है। 2 घंटे के बाद हमारा ड्राई फ्रूट रोल भी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। इस तरीके से हमें इसे क्लीन रैप से निकाल लेंगे और एक नाइफ़ की मदद से हम इस तरीके से इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खजूर ड्राई फ्रूट्स रोल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ गई हो तो लाइक और कमेंट करिए और ऐसी ही ईजी और टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।